हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के एनर्जीज, ठीक है? फिर हम देखेंगे मेजर अरकाने से कुछ मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। ओके, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ ओपन माइंड करके देखें, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, क्योंकि फाइनली क्या होना है ये सिर्फ गॉड को पता है, डिवाइन सोर्स को पता है, ठीक है? ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, आप सभी के लिए हैं। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करेंगे। ओके, हमारे यूनिवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है उनकी। स्ट्रेटजी, आपके पार्टनर बड़ी बड़ी सारी प्लानिंग में है। प्लानिंग बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है जो उन्होंने आपके साथ, आप में से किसी के पास पेंटिकल हो सकता है, ठीक है? हो सकता है कि आपके पार्टनर ने जो आपके साथ बिहेव किया, मान लीजिए आपके साथ बातचीत की, या कोई ऐसा फनी सा रीज़न देके आपके साथ सेपरेशन कर लिया, या आपको कोई रीज़न दिया ही नहीं, ठीक है, ब्लॉक कर दिया, या ब्लॉक नहीं भी किया है तो आपके साथ सेपरेशन कर लिया, तो उन सब चीज़ों को ठीक किस तरह से करना है ये काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं। वो बड़ा सोचते हैं, बड़ा दिमाग लगाते हैं, कहते हैं ना बड़े ज़्यादा क्लेवर हैं, चला के बहुत ज़्यादा अपनी बात को छुपा लेते होंगे। आपकी कोई इतनी छोटी भी गलती होगी तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते होंगे, उनकी एनर्जी इस तरीके की होंगी, इसीलिए वो ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं कि सारा जो रायता है आपके ऊपर ला के किस तरीके से डालना है। ओके, आपके पास या आपके पार्टनर के पास फेदर्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर फेदर रिसेंटली आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहे होंगे, ठीक है? कभी भी आपको कोई फेदर दिखता है और आपको पसंद है फेदर रखना, तो वो जो मिला है फेदर आपको अचानक से है, वो आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है? जब भी फेदर मिलेगा उसको, फेदर को हाथ में लेकर आप अपनी विश बोल सकते हैं, ठीक है? ये एंजल्स के साइन होते हैं, यूनिवर्स के साइन होते हैं कि आप जो आपकी विश है वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। कॉर्नोकोपिया, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको इन दिनों में। आपके पार्टनर जब खाना खा रहे हैं, जब पानी पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब तरफ उनके दिमाग में सिर्फ आपकी बातें हैं। आपके साथ जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया है उसकी काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर उस सभी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है आपको 222 ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, 2222 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? और 111 भी ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखाई दें आपको अपनी विश बोलनी है, ठीक है? उतनी ही टाइम रिपीटिवली 333 दिखाई दिया है तो आप 6 टाइम अपनी विश बोल सकते हैं। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, भाई कोई तो बहुत ज़्यादा हील कर रहा है अपने रिश्ते को, ठीक है? यहाँ पर आप अपने रिश्ते को हील कर रहे हैं, उधर आपके पार्टनर भी इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। तो अगर आपने किसी से हीलिंग ली है, या फिर आप हील कर रहे हैं खुद से, ठीक है, या फिर आप रिसेंटली किसी हीलर से बात कर रहे हैं, तो ये सब एनर्जीज़ आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, हीलिंग वर्क कर रही है, ठीक है? ओके, ये रिश्ता हील हो रहा है आपके पार्टनर से, आपका रिश्ता हील हो रहा है। आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव है आपकी, यानी कि आपके पार्टनर भी इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी चाहते हैं। ओके, जर्नी, आपकी और आपके पार्टनर की या तो अवेकनिंग हुई है, ठीक है? आप दोनों सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। ओके, आप दोनों ज़िंदगी में, चाहे आप दोनों के रास्ते कितने भी अलग हो जाएं, कितनी भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं, कोई पर्सन आ जाए, कोई भी हालात हो जाएं, आप दोनों का रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, एज है, जो भी है आप दोनों के रिश्ते के बीच में, लेकिन पूरी ज़िंदगी आप दोनों को साथ रहना है हर हाल में। ये जो लाइफ की जो जर्नी है ये आप दोनों के साथ में ही गुजरने वाली है, ठीक है?
इस चीज़ को कभी आप एक्सेप्ट नहीं करें या आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करें, लेकिन आप दोनों की जर्नी लाइफ के एक साथ ही जाएगी। यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है, यूनिवर्स वापस आप दोनों को एक करेगा, क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी होती है ये ईजी नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं इस रिश्ते में। तो आप दोनों एक जर्नी पर हैं और आप दोनों का रीयूनियन ज़रूर होगा, यूनिवर्स आपको ज़रूर मिलाएंगे और आप दोनों को, मतलब ना कहते हैं ना, बुढ़ापे तक एक साथ ही जाना है आगे तक। कितना भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करो, एक दूसरे से आप दोनों नहीं अलग हो पाओगे। देखिए यहाँ पर है एंजल ऑफ बैलेंस, ख़ास तौर पर एंजल्स के साथ अगर आप प्रे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, तो एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके रिश्ते में बैलेंस लेकर आ रहे हैं। आपके पार्टनर को आप या आपके पार्टनर आपको, दोनों को ही एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। हो सकता है आपके पार्टनर भी एंजल्स से हेल्प मांग रहे हो। समय काफ़ी गुजरा है आप दोनों के सेपरेशन को और आप काफ़ी समय से इस रिश्ते को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ भी आप एंजल थेरेपी हो सकता है वो कर लेते हो, एंजल हीलिंग लेते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें, या फिर आप कोई मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं तो सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं और एंजल्स आपके आसपास हैं। जैसे कि मैंने कहा कि फेदर्स आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, 222, 111, 222, 222, ये जर्नी ही बहुत खूबसूरत। वाओ, केयरिंग कनेक्शन आपका और आपके पार्टनर का बहुत खूबसूरत कनेक्शन है। आप दोनों का डेफिनेटली रीयूनियन होगा क्योंकि यूनिवर्स ने आपको मिलाया है। आप दोनों बहुत खूबसूरत जर्नी पर हैं। आप या आपके पार्टनर हीलर हो सकते हैं या फिर आपको हीलिंग सीखनी है फ्यूचर में। कभी आपको लगता है कि नहीं, मुझे टैरो कार्ड सीखने हैं, मुझे हीलिंग सीखनी है, मुझे इन सब चीज़ों में जाना है, ठीक है, एंजल्स की भी ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों के ऊपर। आप दोनों हमेशा के लिए एक होने वाले हैं, तो अपना जो कहते हैं ना, अपना सब्र नेक होना है आपको, ठीक है। आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं अब मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ, मेरा पार्टनर आएगा या नहीं आएगा। जो लोग समय को बांधने की कोशिश करते हैं कि मेरा पार्टनर इतना टाइम हो गया नहीं आया, उनका रीयूनियन होने में हमेशा टाइम लगता है। जो लोग, मैंने कई बार ऐसे देखा, लोग टाइम की परवाह नहीं करते, मंत्र चैंट कर रहे हैं करते जा रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं करते जा रहे हैं, कभी सवाल नहीं करते कि इतना टाइम हो गया या बहुत जल्दी हो गया। शांति, मतलब ये तो एक यूनिवर्स पे, गॉड पे ना एक क्वेश्चन मार्क लगाने वाला हो गया कि हम बड़े टाइम से ये चीज़ कर रहे हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अरे आप करते जाइए, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आपकी एनर्जी इस तरह की होनी चाहिए। यूनिवर्स ने आपको एक तरीके से हीलर बनाया, आप हील कर सकते हैं अपने रिश्ते को, अपने पार्टनर को, खुद को। आप बहुत खूबसूरत जर्नी पर हैं, आपके पार्टनर और आपकी जर्नी जो है बड़ी प्यारी सी है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, यहाँ पर एंजल्स के और बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपके पार्टनर अगर समाज सोसाइटी से डरते हैं, वो सबका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं उनके अंदर, क्योंकि आप उन्हें हील कर रहे हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं उनके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर, आपके ऊपर। उनके अंदर सामना करने की हिम्मत आ रही है। उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो इस तरह की हैं कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई आया या उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे। अब वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे समाज सोसाइटी से। इस रिश्ते पे आपके ऊपर कोई उंगली उठाएगा, कोई आपको कुछ बोलने की कोशिश करेगा तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके पार्टनर आपकी तरफ से जवाब देंगे। ओके, उनकी एनर्जी सब इस तरह की है कि अब आपको कोई कुछ ना कहे आपके ख़िलाफ़। अगर पहले मान लीजिए आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ, उन्होंने जाके किसी को भी बता दिया, ठीक है, और उसने कुछ भी कहा था आपके पार्टनर सुन लेते थे, लेकिन अब आपके पार्टनर आपके खिलाफ़ एक वर्ड नहीं सुनेंगे किसी का भी, वो चाहे कोई भी हो, किसी का कुछ भी नहीं सुनेंगे, आपके खिलाफ़ एक वर्ड नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो ये समझ गएंगे कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जो टूटेगा नहीं, यूनिवर्स ने हम दोनों को मिलाया है। ये सब थॉट्स आपके पार्टनर के भी चल रही है, एनर्जीज आपके पार्टनर की भी है कि आप दोनों का एक होना तय है। उन्हें भी एहसास हो रहा है कि ये नॉर्मल, मतलब ऐसे आम कनेक्शन नहीं है, ये क्या तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में आप दोनों की अवेकनिंग एक साथ हुई होगी। एंजल्स में आप दोनों का बिलीव बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। और अगर जब आपके पार्टनर आएंगे ना, अगर आप उनसे ये सब बातें कहेंगे तो उन्हें अच्छा महसूस होगा, शायद वो भी बिलीव करने लगेंगे या फिर बिलीव करने लग चुके हैं, ठीक है, या ऑलरेडी वो मानते हैं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा। डोर टू रोमांस, यूनिवर्स की तरफ से आपके पार्टनर आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं, आपको रिसीव करना है पॉजिटिव एनर्जी, आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन रखना है, मतलब अपने दिल को पॉजिटिव रखना है, किसी भी बात से घबराना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना, मेरा पार्टनर आएगा नहीं आएगा, कहीं और है, पता है, ये जो सब चीज़ें सोचते हैं आप बिल्कुल नहीं सोचनी है। हालांकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लंबा गुजरा हुआ है ये मैं मान रही हूँ, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ ये हैं कि वो आपके ऊपर प्यार लुटाना चाहते हैं पूरी तरह से।
आपने अपने आप को जो एक बंद कर लिया हुआ है एक तरह से, कि यूनिवर्स आपको खुशियां भी देता है, तो अपने आपने अपनी खुशियों को एक पिंजरे में बंद किया हुआ है, इस एक केज में डाला हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिए। क्योंकि इस केज में देखिए जो हार्ट बना हुआ है इसकी चाबी आप ही के पास है। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे यूनिवर्स उतना ही प्यार, उतनी ही पॉजिटिविटी आपको देगा। ये कार्ड देखकर आप काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं, यूनिवर्स के मैसेज देख सकते हैं कि यूनिवर्स आपको खुशियाँ देना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर को वापस लेकर आना चाह रहे हैं। आप वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है अब आपको। थर्ड चक्र आर्कैंजल चैमल, आपके पार्टनर के दिल दिमाग में पूरी तरह से सिर्फ आप हैं इस वक्त। एंजल्स दिल दिमाग में आपके पार्टनर के सिर्फ आपके ही थॉट्स डाल रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही हैं आपको लेकर। तो यहाँ पर भाई बड़ी प्यारी सी एनर्जीज हैं, देखते हैं मेजर अरकाने से क्या मैसेज है आपके पार्टनर के। जजमेंट, उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा शांत किया हुआ है। आप भी अपने आप को, अपने मन को, अपने थॉट्स को बिल्कुल शांत कीजिए। जजमेंट होना ही है आपके इस रिश्ते में, ओके। द हेरोफेंट, नेक्स्ट आपके पार्टनर का जो एक्शन आपकी तरफ होगा वो होगा शादी का। देखिए ऑलरेडी आप दोनों शादी में हैं, आप दोनों की एक दूसरे के साथ में शादी हो चुकी है, तो अब आपके पार्टनर उस शादी को निभाएंगे, बैलेंस लेकर आएंगे। आप अपने चक्रास बैलेंस कीजिए, अपने थॉट्स को बैलेंस कीजिए, ठीक है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन ये है, वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि जजमेंट ज़रूर होगा इस रिश्ते में, मैं तुम्हारे पास आके शादी ज़रूर करूँगा तुमसे। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का कार्ड दो बार आया है हमारे पास। आपके और आपके पार्टनर के बीच में म्यूचुअल लव होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ आएगी समाज के सामने बात करने की, समाज के सामने एक्सेप्ट करने की इस रिश्ते को, ओके। तो भाई देखो इतनी प्यारी सी रीडिंग है, अब आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहें, सेल्फ लव करना स्टार्ट करें, हील करें अपने रिश्ते, पॉजिटिव रहें। जिनको हीलिंग नहीं आती है उनके लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लाइफ के लिए अच्छा होगा, ओके। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, ओके। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, हमेशा खुश रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।